दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद डेविड वार्नर और मार्कस स्टोइनिस ने फैंस के साथ मिलकर लगाए जय श्री राम के नारे, तो महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा भी हो गए हैरान। दे दिया दिल जीत लेने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने बुरी तरीके से हराया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद डेविड वार्नर और मार्कस स्टोइनिस ने स्टेडियम में मौजूद फैंस के साथ मिलकर जय श्री राम के नारे लगाए, जिसको देखकर रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी भी हैरान रह गए और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो आपके दिल को भी छू लेगा। तो आखिरकार मार्कस स्टोइनिस और डेविड वार्नर का भारतीय फैंस सहित जय श्री राम के नारे लगाए जाने पर, जिस पर एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बयान देते हुए क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन बेहतरीन खिलाड़ी है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का 18वां मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर इस मैच में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 367 रन 9 विकेट के नुकसान पर रोका और इसका पीछा करते हुए 305 रनों के अंदर ऑल आउट होकर अपने विकेट दे दिए। इस मैच को 62 रनों से हार गयी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर और मार्कस स्टोइनिस ने भारतीय फैंस के साथ मिलकर जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली हैरान रह गए और तीनों ने दिल जीत लेने वाला बयान दिया, जिसमें रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच में पाकिस्तान की टीम को बुरी तरीके से हारने के बाद जिस तरीके से मैदान पर मौजूद प्रशंसक और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं, वो कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग हिंदू धर्म से आते हैं और इस समय नवरात्रि का त्योहार चल रहा है। ऐसे में प्रशंसकों के मन में त्योहार का उत्साह मौजूद है, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने भी उनका साथ दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने भारतीय प्रशंसकों का मनोबल बढ़ाया है और सभी का धन्यवाद भी कहा। ऐसे में उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, जिससे हमें निराश होना चाहिए। तो वहीं विराट कोहली ने बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच में पाकिस्तान को बुरी तरीके से हारने के बाद जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने भारत की धरती पर आकर भारत का दिल जीता है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग नवरात्रि का त्योहार मना रहे हैं और श्री राम के भक्त हैं। ऐसे में जय श्री राम का नारा लगाना कुछ भी गलत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाना भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो इस धरती पर मौजूद हैं, उनको मालूम है कि जय श्री राम का नारा क्यों महत्व है। ऐसे में उन्होंने सिर्फ अपने जोश और उत्साह के लिए ये सब किया है, ऐसे में इस बारे में बिल्कुल भी विवाद ना हो। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच में पाकिस्तान की टीम को हराने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने अपना जश्न जय श्री राम के नारे के साथ लगाया, जो कोई गलत नहीं है, क्योंकि इस समय भारत में श्री राम की लहर दौड़ रही है, जिसके चलते हर कोई श्री राम का भक्त बना हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत की धरती पर जय श्री राम का नारा लगाना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि जय श्री राम का नारा हमारे भारत की एक परंपरा के तहत आता है, जिससे एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि भारत में मौजूद सभी लोग इस समय त्योहार को काफी शानदार तरीके से मना रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर कोई भी विवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विश्व कप का रोमांच जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन वहीं टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा दर्शकों की हरकतों पर भड़क उठी। कुछ मैच के दौरान स्टेडियम में जय श्री राम के नारे लगाए गए, जिसको देखकर सानिया मिर्जा का गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया। तो आखिर गुस्से में आग बबूला होकर सानिया मिर्जा ने क्या कुछ दिया हैरान कर देने वाला बयान, कैसे अपनी बातों से लगाई दर्शकों के लतार, क्यों श्री राम के नारे लगाने पर भड़क उठी सानिया मिर्जा, यह सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विश्व कप का रोमांच हर दिन देखने को मिल रहा है, दर्शक भी खूब जश्न मना रहे हैं, सभी अपने अपने टीमों का सपोर्ट करने स्टेडियम में मैच देख कर लुत्फ उठा रहे हैं। सभी टीमें विश्व कप के खिताब के लिए कांटे की टक्कर एक दूसरे टीम को दे रही हैं। टीम इंडिया भी अपने सभी मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर मौजूद है। वहीं पहले नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम सभी मुकाबले जीतकर और अच्छे रन रेट से नंबर 1 पर मौजूद है। अब इन दोनों टीमों के बीच 22 अक्टूबर को धर्मशाला के मैदान पर जबरदस्त जंग देखने को मिलेगा। विश्व कप में जबरदस्त पालेतवार होना शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी शुरुआती मुकाबले हारने के बाद शानदार मैच में वापसी की है, दोनों अंतिम मुकाबले जीत गए। वहीं नीदरलैंड और अफगानिस्तान ने भी जबरदस्त वार करके हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, दर्शक जरूर स्टेडियम में मैच का लुत्फ उठाने जाते हैं, लेकिन उनकी बदसलूकी हरकतों के कारण लोगों को निराशा हो जाती है। और ठीक है, सही मामला देखने को हम सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में देखने को मिला।
जहां दर्शकों ने पाकिस्तान की हार पर जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। यह हरकत देखकर टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा का गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया। वहीं इन हरकतों से बेहद निराश थे। और इतना ही नहीं, मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला देखा गया, जहां पर भारतीय दर्शकों ने स्टेडियम में बैठकर जय श्री राम के नारे लगाए। दर्शकों की यह हरकत बिल्कुल भी सानिया मिर्जा को पसंद नहीं आई और वह गुस्से से लाल पीली हो गई और ऐसा बयान दिया जिससे लोगों में आक्रोश छा गया, बल्कि हर कोई उनका बयान सुनकर उन्हें सलाम करने पर भी मजबूर हो गया। तो आखिर सानिया मिर्जा ने ऐसा क्या कुछ कहा, ये वो आपको बताते हैं। दोस्तों, मैदान में श्री राम के नारे लगाने पर सानिया मिर्जा ने बयान देते हुए कहा, दो देशों के बीच मुकाबले में ऐसा नारा लगाना बेहद गलत है, यह शर्मनाक हरकत है। भारतीय दर्शकों को समझना चाहिए कि ऐसा करने से धार्मिक अपमान होता है और मन को ठेस पहुंचता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहले भारत और पाकिस्तान मुकाबले में यह नारा सुनने को मिला और अब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान मैच में भी दर्शकों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े टूर्नामेंट में खिलाड़ी खेल भावनाओं के साथ मैदान में उतरते हैं, न कि धार्मिक भावनाएं लेकर। सानिया मिर्जा ने आगे बयान देते हुए कहा कि आगे से दर्शकों को ध्यान देना होगा, ऐसा कोई भी नारा नहीं लगाया जाए कि जिससे स्टेडियम में किसी खिलाड़ी को ठेस पहुंचे या फिर मन दुखी हो। हर कोई अपने भगवान और देवता की पूजा करता है, करोड़ों दर्शक में टूर्नामेंट को देखते हैं, इसलिए सब बिल्कुल न किया जाए। खेल को भावना की तरह खेला जाए तो बेहतर होगा और लोगों को मजा भी आएगा। आगे से दर्शकों को इस बात का ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे सानिया मिर्जा ने अपने बयान से करोड़ों भारतीयों को दिल जीत दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, किंग कोहली के शतक ने बांग्लादेश को दिखाए दिन में तारे। रोहित गिल के साथ मिलकर मचाई ऐसी तबाही, दर्ज करवाया है इतिहास के पन्नों में नाम। तो आखिर कैसे विश्व कप के चौथे मुकाबले में भी भारतीय लड़ाकों ने बांग्ला टाइगर्स को बर्बाद करके रख दिया? तो आखिर कैसे बुमराह जडेजा की कातिलाना गेंदबाजी के बाद विराट कोहली के दम पर टीम इंडिया ने दर्ज की एक तरफा तरीके से शानदार जीत? गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान में टीम इंडिया की बादशाहत की दास्तां। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली और बुमराह में कौन था इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विश्व कप में तीन मुकाबले लगातार जीतने के बाद अब कड़ी चुनौती देने के लिए बांग्लादेश के पुणे के मैदान पर उतर चुकी है। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम के ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर तंजीद हसन के साथ देने लिटन दास आए। वहीं टीम के लिए पहला ओवर फेंकने जसप्रीत बुमराह तैयार खड़े थे। उन्होंने पहले ओवर में खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। दूसरा ओवर फेंकने मोहम्मद सिराज आए और शानदार अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे। बांग्लादेशी बल्लेबाज पांच ओवर में केवल 10 रन ही बना सके। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन 6 ओवर के बाद दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे रन की गति को आगे बढ़ाने लगे। तंजीद हसन तो बेहद आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू कर दिए, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। उनका साथ लिटन दास भी भरपूर निभा रहे थे। टीम के कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में 9 ओवर फेंकने के लिए हार्दिक पांड्या के हाथों में गेंद थमा दी। हार्दिक पांड्या की दूसरी और तीसरी गेंद पर लिटन दास ने शानदार चौका जड़ दिया, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। लेकिन इसी गेंद को हार्दिक पांड्या अपने पैरों से बचाना चाहते थे, जिसके कारण उनका पैर फिसल गया और वो पूरी तरह से मैदान में गिर गए। उन्हें पैर में चोट आ गई, जिसके कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। इस ओवर को पूरा करने के लिए विराट कोहली खुद बॉलिंग करने मैदान पर उतर गए, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए शार्दुल ठाकुर आए। इन दोनों बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, दोनों बल्लेबाज शानदार बैटिंग कर रहे थे और अर्धशतक साझेदारी पूरी कर ली। वहीं तंजीद शार्दुल ठाकुर के ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और 1 चौका जड़कर तंजीद हसन अर्धशतक के करीब पहुंच गए। टीम के स्कोर को 10 ओवर में बिना विकेट पर 63 रन पहुंच गए। कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में गेंद इस बार स्पिनरों के हाथ में थमा दी और टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने कुलदीप यादव आ गए। मगर ये दोनों बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे थे। भारतीय टीम को विकेट की ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मजबूत स्थिति में बांग्लादेश की बैटिंग नजर आ रही थी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 90 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली थी, लेकिन विकेट की तलाश में एक बार फिर से गेंद रोहित शर्मा कुलदीप यादव को थमाई और उन्होंने उनके भरोसे पर खरे उतरते हुए अपने ओवर की चौथी गेंद पर तंजीद हसन को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बांग्लादेश टीम को 93 रनों पर पहला बड़ा झटका लग गया। वहीं भारतीय टीम ने भी पहला विकेट अपने नाम किया और तंजीद हसन 51 बनाकर पवेलियन लौट गए। अब पारी को संभालने के लिए नजमुल हसन शांत मैदान पर आ गए। दोनों स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार 1 विकेट पर नुकसान पर पहुंचा दिया। दोनों ही बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंद रविंद्र जडेजा के हाथों में थमा दी। उन्होंने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर संतों को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वहीं बांग्लादेश टीम को 110 रनों पर 20 ओवर में दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब अपनी टीम की पारी को संभालने मेहंदी हसन मिराज मैदान पर आ गए। वहीं लिटन दास भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर चुके थे। भारतीय गेंदबाज शानदार प्रदर्शन दिखा रहे थे। 25वां ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर मेहंदी हसन मिराज को पवेलियन का रास्ता दिखाकर बांग्लादेश को 129 रन तीसरा झटका दे दिया और मेहंदी हसन मिराज 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब लिटन दास का साथ देने मैदान पर तौहीद हृदय आ चुके थे, लेकिन तब तक तौहीद का साथ
साथ छोड़कर लिटन दास मैदान के बाहर चले गए। जडेजा के ओवर में अपना विकेट गवा बैठे अपनी टीम के लिए 66 रनों की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन अब मैदान पर तौहीद का साथ देने मुशफिकुर रहीम आ गए। दोनों बल्लेबाज मिलकर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। टीम का स्कोर 30 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 143 रन बना लिया। दोनों खिलाड़ी स्कोर को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने विकेट की तलाश में गेंद 38वां ओवर फेंकने के लिए शार्दुल ठाकुर को थमा दी और उन्होंने भरोसे पर खड़े उतरते हुए अपने ओवर की दूसरी गेंद पर तौहीद हृदय को पवेलियन का रास्ता दिखाकर बांग्लादेश टीम की कमर तोड़ दी। टीम को 5वां झटका लग गया। अब रहीम का साथ देने मैदान पर महमदुल्ला आ गए, लेकिन रहीम के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन तभी टीम के लिए 43वां ओवर फेंकने जसप्रीत बुमराह आ गए और उन्होंने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से ओवर की तीसरी गेंद पर रहीम का विकेट उखाड़ फेंक दिया और बांग्लादेश टीम को 201 रनों पर 6वां विकेट गिर गया। जिसके बाद मैदान पर नाजो महमद आ गए महमदुल्ला का साथ देने, लेकिन महमदुल्ला अलग अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन सिराज ने नाजो महमद को 47वें ओवर की आखिरी गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम को 7वां विकेट दिलवा दिया। मैदान पर मुशफिकुर रहीम आ गए और दोनों मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। महमदुल्ला बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे, देखते ही देखते अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए, लेकिन बुमराह ने अंतिम ओवर में अपनी खतरनाक गेंदबाजी यॉर्कर से ओवर की दूसरी गेंद पर महमदुल्ला को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बिना अर्धशतक लगाए मैदान के बाहर चले गए। बांग्लादेश टीम 50 ओवर में 256 रन 8 विकेट गंवाकर बना सकी भारत के सामने 257 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत के दोनों खतरनाक ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल टीम को बेहतरीन शुरुआत दी। रोहित ने पहले ही ओवर में सौरिफुल इस्लाम को ओवर में 2 चौके जड़ दिए और 8 रन बटोर लिए। उसके बाद अगले ही ओवर में गिल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया, उन्होंने मुशफिकुर रहीम के पहली गेंद पर शानदार चौके से अपना खाता खोल लिया, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। वहीं रोहित का बल्ला बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बेहद अलग अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। एक चौके और छक्के बांग्लादेशी गेंदबाजों पर लगाए जा रहे थे। सौरिफुल इस्लाम के ओवर में रोहित ने ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था, ये बेहद लाजवाब छक्का था। रोहित हर गेंदबाज पर जमकर प्रहार कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 5 ओवर में 33 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित तेजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, उनका बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम रहे थे और दोनों बल्लेबाज स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा चुके थे और अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। साथ ही रोहित अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए और टीम को पावर प्ले में 63 रनों तक पहुंचा दिया। गिल भी बेहद आक्रामक अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, उनके भी बल्ले से खूब चौके छक्के निकल रहे थे। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से मैदान पर सेट हो चुके थे, लेकिन तभी 13वें ओवर में टीम इंडिया को रोहित के रूप में बड़ा झटका 88 रनों पर लग गया। लेकिन गिल का साथ देने अब मैदान पर किंग कोहली आ गए। ये दोनों बल्लेबाज बेहद अलग अंदाज में बैटिंग करने लगे, गिल का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं कोहली भी आते ही चौके और छक्कों की बौछार करने लगे और देखते ही देखते गिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे, जीत की तरफ बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी 19.2 ओवर में भारत को दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब गिल 53 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस पारी को उन्होंने 2 छक्के और 5 चौके की मदद से सजाया, लेकिन कोहली मैदान पर टिके हुए थे और अब उनका साथ देने मैदान पर श्रेयस अय्यर आ गए। उन्होंने भी कोहली के साथ मिलकर पारी को थोड़ी देर संभाला, लेकिन 29.1 ओवर में पहली गेंद पर पवेलियन लौट गए और भारत को तीसरा बड़ा झटका 178 रनों पर लग गया। वहीं विराट कोहली अकेले मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए मैदान पर केएल राहुल आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम की पारी को संभाला और विराट कोहली ने तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और राहुल के साथ मिलकर भारत की लिखने की पूरी कोशिश करने लगे और देखते देखते भारत को जीत की तरफ बढ़ा दिया। साथ ही कोहली ने अपनी तूफानी शतक छक्का लगाकर पूरा किया, बल्कि टीम इंडिया को यादगार जीत दिला दी। भारत की ये जीत देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। तो दोस्तों देखा आपने कैसे कोहली ने अपने बड़े बल्ले से दहाड़ लगाकर शतक ठोका और भारत को यादगार जीत दिला दी। लेकिन अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और गिल में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।